हाय गाइज, मायसेल्फ लोकेश, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की जो इलेक्टिव पेपर हैं हेटेरोकेमिस्ट्री, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। हमारा जो ये पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन हमारे को मिलते हैं, इसमें से 5 यूनिट होती है इसके अंदर, और प्रत्येक यूनिट में हमारे को 2 क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, और 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन आते हैं, और उनमें से प्रत्येक यूनिट में एक एक क्वेश्चन हमारे को करना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 10 नंबर का होता है। ठीक है, तो देखो अब हम इस यूनिट की चर्चा करेंगे, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। इसके अंदर देखो हम इस बुक की चर्चा करते हैं, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री हमारी ये बुक है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स इसके अंदर 50 नंबर की होती है बुक। ठीक, देखो फर्स्ट यूनिट होती है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स, प्रथम यूनिट होती है। सेकंड, इसी का जो पार्ट होता है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स, इनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन इसमें से आता है, एक क्वेश्चन इसमें से आता है, हमारे को कोई सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है इन दोनों में से। ठीक है, जो दोनों क्वेश्चन आते हैं वो 10-10 नंबर के आते हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन 10 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। सेकेंड यूनिट होती है वो है नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स, और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस। नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स और हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस जो सेकेंड यूनिट होती है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से हमारे को एक क्वेश्चन करना होता है। थर्ड यूनिट है स्मॉल रिंग सिंथेसिस, जो स्मॉल रिंग सिंथेसिस है इनमें से एक क्वेश्चन हमारे को करना होता है, अर्थात 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। स्मॉल रिंग सिंथेसिस के अंदर रिंग 3 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग, 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग और 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 यूनिट मीजोआयनिक कंपाउंड्स, जो मीजोआयनिक कंपाउंड या मीजोआयनिक हेटेरोसाइकल्स, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। जो मीजोआयनिक हेटेरोसाइकल्स होते हैं इसके अंदर 6 मेंबर रिंग होती है और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग विद 1 हेटेरो एटम, अर्थात एक हेटेरो एटम इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट होती है 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक विद 6 मेंबर हेटेरोसाइकल्स विद 2 और मोर हेटेरो एटम, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है जिसके अंदर दो या अधिक हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेटेरो एटम होते हैं कोई से भी हेटेरो एटम हो सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, या इनमें से कोई सा भी 2, इनमें से कोई से भी 3, इस किसी प्रकार से हेटेरो एटम हो सकते हैं, या फिर सेम 2 हेटेरो एटम उपस्थित हो। तो इसके अंदर अब देखो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूनिट की चर्चा करते हैं। यूनिट है फर्स्ट, हमारी फर्स्ट यूनिट है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स। फर्स्ट यूनिट है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स। देखो इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट एंड सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर, हेंटेस विद्मान सिस्टम फॉर मोनोसाइक्लिक फ्यूज एंड ब्रिज हेटेरोसाइकल्स। टॉपिक चलेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स, फर्स्ट यूनिट है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स। देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स होता है वो 3 सिस्टम या 3 टाइप्स का ही पाया जाता है। नंबर 1 ट्राइबल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम और रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ट्राइबल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। सेकंड, सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम या हेंटस विद्मान नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और नेक्स्ट नंबर 3
रिप्लेसमेंट नॉमेंक्लेचर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर ट्राइबल नॉमेंक्लेचर सिस्टम। टॉपिक है ट्राइबल नॉमेंक्लेचर सिस्टम। देखो ट्राइबल नॉमेंक्लेचर सिस्टम की यदि हम बात करें तो ये जो ट्राइबल नॉमेंक्लेचर सिस्टम है, इसके ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी जो उत्पत्ति अर्थात जिनकी जो उत्पत्ति के आधार पर या उनके प्रॉपर्टी के आधार पर हम इनका नामकरण करते हैं, अर्थात इनकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सोर्स क्या है उसका, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस आधार पर हम इनका नॉमेंक्लेचर करते हैं। ठीक है, अर्थात इसको हम इसके अंदर हम इस प्रकार से इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इन दिस नॉमेंक्लेचर सिस्टम नेम ऑफ एनी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। दैट मीन्स इन दिस नॉमेंक्लेचर सिस्टम सम प्राइमरी स्ट्रक्चर हैज बीन डिफाइंड, फॉर एग्जाम्पल प्रेडीन, फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन, पिनाकोलेन, नेक्स्ट 4H पायरेन, इंडोल, नेक्स्ट क्यूनोलिन एंड नेक्स्ट आइसो क्यूनोलिन नेक्स्ट पायरेजीन, सेलेनोफेन, इमिडेजोल, आइसोक्साजोल, नेक्स्ट फ्यूरेजेन, पायरेडीजीन और पायरेमिडीन, ये सब होते हैं। इनका जो नाम होता है, इनका ट्राइबल नेम होता है इनका, और इनको हम जानते हैं तो इनकी सोर्स और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है इनके आधार पर इनको नाम दिया गया है, अर्थात इनकी जो इनका सोर्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके आधार पर इनका ट्राइबल नॉमेंक्लेचर रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टमेटिक नॉमेंक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।